हेलो फूडी लवर। तो आज मैं बनाने वाली हूँ तुरई की सब्जी। झारखंड के कुछ जिलों में इसे गोंगरा भी बोला जाता है। तो तुरई को इस तरह से आप छील लें, और छीलने के बाद जो दोनों शीरे होते हैं तुरई के, उसे आप काट के बाहर फेंक लें, और बीच से इस तरह से कट करके इसे स्लाइस में काटें। देख सकते हैं, इस तरह से कट कर लें। और 1/2 KG तुरई है, तो सारे तुरई को इस तरह से ही कट कर लेंगे और कट करके रेडी कर लेंगे। तो देख सकते हैं, इस तरह से कट कर ले, और हम लोग का जो तुरई है उसे सारे तुरई को कट कर लिया है। देख सकते हैं कितना हरे हरे तुरई हैं और कितना प्यारा लग रहा है। तो अब तुरई को धो लेंगे एक बर्तन में। इसे ज़्यादा धोना नहीं है, 1 से 2 ही बार धोएं, क्योंकि ज़्यादा धोएंगे तो हम लोग का सब्जी जो है उसमें ज़्यादा पानी निकलेगा और सूखेगा नहीं। तो हम लोग का कढ़ाई जो है गरम हो चुका है, तो हम इसमें सरसों का तेल डाल लेंगे, और 5 फ़ोरन है इसे हम डाल लेंगे। हम लोग का तेल गरम हो चुका है, और 5 फ़ोरन का चटकने दें, और 2 स्लाइस किया हुआ मीडियम साइज का प्याज है उसे कट कर लें और डाल लें, और 2-4 हरी मिर्च है और 2 तेज पत्ते हैं, इसे गोल्डन होने तक भून लें। इस तरह से देख सकते हैं। और रात में हमने चना फुला के रखा था, तो वो डाल लेंगे। चना दाल या चना या आलू आप कुछ भी ऐड कर सकते हो, बट मेरा घर में जो नाना नानी लोग हैं वो लोगों को चना डाल के, पहले का जो बुज़ुर्ग लोग होते हैं वो लोगों को चना दाल चना हुआ ये सब डाला हुआ बड़ी अच्छा लगता है, उन लोगों को खाने में अच्छा लगता है, तो उन्हीं लोग के हिसाब से बना रही हूँ। तो चना को इस तरह से धो के भून ले इसे। तो हम लोग का चना भून चुका है, देख सकते हैं आप। तो इसके लिए हम लोग अब मसाला रेडी करेंगे। तो मसाला में स्लाइस किया हुआ प्याज मिर्च और धनिया और अदरक, इसे हम पीस लेंगे मिक्सी जार में या फिर सिलबट्टे में। तो पीस लिया है मैंने, और मसाला को डाल लेंगे। अब हम लोग का चना भून चुका था, तो हम 1 से 2 बार मसाला को इस तरह से पानी दे के भून लेंगे, जब तक कि तेल ना छूटे, तेल ना निकले। देख सकते हैं तेल हम लोग का थोड़ा थोड़ा निकलने वाला है। ये रहा हम लोग का पानी जो है सूख चुका है अब, और मसाला भी भून चुका है। देख सकते हैं, क्योंकि इसमें से तेल हल्का हल्का दिख रहा है। तो अब कटिंग किया हुआ इसमें गोंगरा को डाल लेंगे, और तुरई उसे, क्योंकि हम लोग के यहाँ गोंगरा बोला जाता है तो बार बार मैं गोंगरा ही बोल रही हूँ, तुरई है उसे डाल ले इस तरह से, और चला ले इसे, मैश कर ले जो मसाला है उसे मिक्स कर ले इस तरह से। देख सकते हैं, फिर इसमें स्वाद अनुसार नमक डाल लें और इसे चला लेंगे। और स्लाइस किया हुआ 2 मीडियम साइज का टमाटर है वो उसे डाल लें इस तरह से। देख सकते हैं इसमें अधिक पानी निकलता है, और नमक भी डाल लिया है मैंने, टमाटर भी डाल लिया है। तो कुछ देर हम इसे चला लेंगे, और कुछ बर्तन में इसे ढक लेंगे और पकाएंगे 5 से 6 मिनट तक पका लेंगे। फिर उसके बाद में हम लोग चेक करेंगे, जब तक पानी ना सूखे तब तक हम इसे पकाएंगे। और किन्हीं को ग्रेवी खाना है तो खा सकते हैं, देख सकते हैं ये से ग्रेवी में बना सकते हैं, ग्रेवी वाला भी अच्छा लगता है, बट मैं ग्रेवी वाला नहीं बना रही हूँ, मैं सूखा वाला बनाऊँगी, क्योंकि सूखा वाला ज़्यादा अच्छा लगता है इसलिए। तो हम लोग का जो तुरई है वो पानी सूख रहा है थोड़ा थोड़ा, देख सकते हैं। तो इसे खुला ही कुछ देर और 2 से 3 मिनट पका लेंगे, और पानी सूख जाएगा, फिर उतार लेंगे कोई बर्तन में और रख लेंगे। तो हम लोग का जो तुरई है वो बन के रेडी हो चुका है। तो आप एक बार बना के देखिए घर में, और खा के बताइए, चना वगैरह डाल के या दाल वगैरह कुछ भी डाल के बना के बताइएगा कमेंट में कि कैसा लगा मेरा सब्जी। तो इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे, देख सकते हैं हम लोग का तुरई है जो बन के रेडी हो चुका है। तो ठीक है फ्रेंड, बाय, फिर मिलूंगा।